जल्दी आ जा रहे। क्या साहब, मियां भाई हमारा बैंड फोड़ दिया, अब तो भी एक्शन लियो ना साहब। बैठ बैठ। हाँ तो कब हुआ ये हंगामा? हंगामा? मेरा मतलब हंगामा तो हमारे ग्रुप का नाम है साहब, हंगामा पे तो अटैक हुआ। बिना परमिशन के रात रात भर गा बजा के पब्लिक की नींद खराब करते हो, फिर शराब पीकर लड़ झगड़ कर कंप्लेन लिखाने आते हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। शराब? ये देखो साहब, देखो पिए शराब, सोपता बताओ, सोपता पिए पिए, हो गई तसल्ली? दिल लगी कर रहे थे मेरे साथ। आप कोई माल है, मेरा मतलब आप कोई हसीना है जो आपके साथ दिले करेंगे? हम लोग शराब नहीं पिए बोल रहे। ठीक है शराब नहीं पिए, लेकिन रात रात भर रेसिडेंशियल एरिया में आर्केस्ट्रा बजाना गाना, ये तो जुर्म है ना बेटा, इसकी दफा लगती। लिखूं? लिखूं क्या? लिखूं? लिखो 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 जी लिखो लिखूं। सोप करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। रात के चार चार बजे तक, बल्कि सुबह तक एमएलए पॉलिटिशियन लीडर सोप के दावतों में बराबर ढोला बज रहे। ठीक है आपके अलावा कोई दूसरे उसकी कंप्लेंट दे तो मैं लिख लेता हूँ। अरे गवाह सबूत सब मिल जाएंगे आपको, आप थोड़ा कंप्लेंट तो लिखो। अरे लिखो लिखो लिखो। अच्छा ठीक है, एक काम करो दूल्हे को बुला लो। अरे साहब, हम लोग मेहनत मजदूरी करके जीने वाले साहब, गुंडे हमारे दावतों में आके हमारा सामान तब तोड़ ले साहब, वाजी लगा के लिख लो साहब। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे लाओ रे उनको। चलो क्या क्या है माल जल्दी निकालो। चोरी का आखिरी मौका दे दो साहब, भले आप रख लो, हार मैं ले जाता हूँ साहब। चलो लोगों को बाहर छोड़ो, चलो बस। साहब बचपन में स्कूल को जाते वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर तख्तियां लगे हुए रहते थे, उस पे लिखे हुआ रहता था आओ हमसे मदद लो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आज 15 साल के बाद मालूम पड़ा पुलिस की दोस्ती कितनी भयानक रहती, खाली एक कंप्लेन लिखाने आए तो रात भर सड़ा दिए। शुक्रिया साहब, दोस्त आए मेरे गरीब दोस्त, खुदा खैर करे। चलो रे मियां, अब तुम जाके किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को मेरा नाम बोलो, उन्हें अपनी फिल्म में तुमको बराबर चांस देगा, समझे? ये छोटा सा नजराना है। अरे इसकी क्या जरूरत थी मियां? कितने दिन में सिखाया इसको? 1 हफ्ते में सिखाया। और यहाँ 1 महीने से 1 राग तक नहीं सिखाया हमारे को। अरे मियां दीवाने बातें कर रहे हैं, तुमको तो टॉप सिंगर बनाना है। सच बात है भाई, पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुन के वाह 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 बोलेगी, समझे? क्या बात है उस्ताद जी, आज खाला की आवाज नहीं आ रही। फिर खाला बोला तू? तेरे को मालूम मैं तेरे वस्ताद से 20 साल छोटी हूँ। खाला कहते खाला। माफ कर दो आंटी, बच्चे से गलती हो गई। ये पहाड़ी ऊंट कौन है जी, इसे जरा लस्सी तो मंगा। एक मिनट बेगम, हिमालय पुत्र 5 लस्सी लेके आ। ठीक है ठीक। सुनो मियां, तुम्हारे को मालूम है कल जो है मेरे ख्वाब में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां आए थे। अरे ऐसा? आके बोले अब होने वाला हिंदुस्तान का बड़े गुलाम अली खां, उसको सलाम बोलो बोले। अगर आज फिर ख्वाब में आए तो मेरी तरफ से वालेकुम सलाम बोलो उस्ताद। अरे बिल्कुल बराबर, चलो रियाज करेंगे। चलो चलो। संगीत के बुझते हुए चिराग को तुम्हारे तेल की जरूरत है, समझे? तुमको हिंदुस्तान का बड़ा सिंगर बनना है। जरा बीवी को डरा के रखना नहीं, सर पे चढ़ के बैठ गए। अरे फितने, मेरे खिलाफ मेरे शहर को भड़का रहा। अबा मैं तो आपका सैटेलाइट चेक कर रहा था, बहुत तेज है, रिलायंस वाले को बेचते क्या? खैर छोड़िए, कल आते आते क्या लाना है बोलो, ला लेता हूँ। अच्छे साफ सुथरे झींगे लेके आओ, बाकी का आए बात देखेंगे।
बाबा राशन भी खत्म हो गया ये महीने का। घर के किराए का भी याद दिला दो, 10 तारीख आ गई। अब किसी यतीम बच्ची की शादी का बंदोबस्त करना है तो बोलो, वो भी पूरा कर देता हूँ। या गाना वाना कुछ नहीं होता मियाँ, ये छोटा चलो यहाँ से। अरे खाला मरे बात, अरे मरे मेरे दुश्मन बाबा। अच्छी लंबी खड़ा कर लिया बिल्डिंग। हाँ बिल्डिंग बना रहा, ब्रुज टावर बना रहा। ब्रुज टावर क्या होता है? ओ भाई साहब गाड़ी हटाओ यहाँ से, मटेरियल की गाड़ी आती। पहले बस्ती में चलने को जगह नहीं है बोल के लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे जा रहे, और तुम लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लिया रे। एक आध हेलीकॉप्टर टकरा गया तो कौन जिम्मेदार है? कौन है रे? ये बिल्डिंग का ओनर? हाँ ओनर का अगर नाम लिए तो दोनों की हवा उतर जाना। ट्यूबलेस टायर है हम लोग, इतना जल्दी हवा नहीं उतरती हमारी। कौन है तेरा साहब, जरा फोन लगा के बुला उसको। बुला। हेलो, कुछ लोग आए भाई, बिल्डिंग का काम रोक रही। कौन है? ठहर अभी आके देखता हूँ। ओके आ रहे क्या? आ रहे आ रहे। अरे रुस्तम भाई की बिल्डिंग है, पहले बोलना नहीं मियाँ, हम दोनों एक ही स्कूल के भगोड़े हैं। अब मालूम हो गया ना, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। गाड़ी तो मैं हटा लेता हूँ भाई, मगर यहाँ जो माल मटेरियल पड़ा हुआ है ना उसकी जिम्मेदारी मैंने दे सकता। देखो धमकी दे रहे? धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ जिसका शादी खाना होता बर्ताना भी उसके रहते। क्या मतलब? मतलब साफ है, फंक्शन होने से पहले शादी खाने का बिल पे करो और बर्ताना पकवान के लिए लेके जाओ। ये बचका नहीं डालेगा, अपने साथ नहीं चलते। अच्छा तो अब एक एडल्ट डायलॉग सुनो, अगर मोहल्ले वालों को इस कंस्ट्रक्शन से बहुत तकलीफ होंगी और वो लोग कंप्लेन करेंगे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कितना होना? ज्यादा की नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। ये हुई ना बात। लियो मिया और सुनो, खुदा के वास्ते वो परनाले दूसरों के घर पे नको छोड़ो, हल्का पना दिखता। और हाँ वो सीढ़िया बनाना भी मत भूलना। लेट्स गो। सुबह सुबह आ गए, कोई गरज है शायद? गरज ना सलाम ना कलाम, रातों को तो ऑर्केस्ट्रा में मेकअप डाल के मुन्नी शीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए साजिश में बैठिए। क्या साजिद मियां, शादी वादी का सोचे नहीं सोचे, या दूसरों की शादी में गाते बजाते रह जाएंगे? यही जल्दी रहती है देखो अंकल अपने लोगों में। वो अमिताभ बच्चन जय बहादुर की फिल्म नहीं देखे अभिमान? तेरे मेरे मिलन किए रहना बोल के दोनों की रहना भले ते चले आती। बात तो तुम सही बोल रहे हो बेटे, पर शादी एक ना एक दिन तो करनी ही पड़ेगी। शादी के साथ शायद सौदा भी करेंगे। अब ये सलमा आगा टाइप के डायलॉग नको मारो, दो गाने गा लिए तो चार आदमियों का भला हो रहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है जी तुम्हारे को? ठीक है मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देती हूँ, लेकिन तुम वकील के पास चलकर पेपर पे साइन कर दो, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की 6 महीने में तो मैं तुम पे धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। शादी टूटने के बाद वकीलों की जरूरत पड़ती थी, अभी शादी नहीं हुई तुम पहले से वकीलों को बीचों में घुसड़ रहे। मोहब्बत जब तिजारत बन जाती है तो ऐसा ही होता है। उफ़ रे मोहब्बत, आशिकी 2 चुपके हिट नहीं हुई, 8 बार देखे होंगे तुम वो फिल्म। 2-4 दिन का टाइम दो, सोच के बोलता हूँ। 2 दिन बाद क्या, और 2 साल बाद भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा मिस्टर साजिद, तुम एक मतलब परस्त इंसान हो। क्या बोलेंगे वे आजकल के बच्चियों को, अम्मा बाबा सामने बैठे हुए आशिकों के बातें कर रही। क्या है कि भाई तुम लोग का मेरे समझ से बाहर है। भाई आपकी जय पड़ता तो सॉरी होगी। ऐसे लड़कियां इतनी रात को जल्दी घर को नहीं आते रे। भाई इतनी रात उस्ताद के घर कई को आया पर? इंतेखाम ले ले। उस्ताद उठो, क्या पुरानी मैयत पड़े जैसा पड़े हुए है, चलो मून बात को जाएंगे। ये मून बात क्या होता मियां? आज पूरणमासी है ना, और पूरणमासी की रोशनी में नहाने से इफ्लासी जाती कते। क्या बेगम से जूते खिलाने का इरादा है? बेगम को ऐसा घर में बिठा के रखे तो 100 साल तक जीती उन्हें, घर के बाहर निकालो ताकि किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए या किसी बम धमाके की जद में आके हलाक हो जाए तो तुम्हारा बोझ हल्का होता और गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। मेरी मौत की तमन्ना करने वाले, अब देख मलकल मौत को तेरे घर पे कैसा भेजती हूँ। अरे वो शोहर को सताने वाली दोजखी औरत, मलकुल मौत खुद तेरी तलाश में है और दोजख की आग तेरे इंतजार में है। अरे कई को मेरी मौत का सामान तैयार करने के वास्ते तू लावा है मियां, जा यहाँ से।
राशन कार्ड पे 2 रुपए सस्ता किलो मिलने वाले चावल, हाँ संगीत सिखाने के नाम पे तुम लोग मेरे से बासमती राइस के पैसे लूटे, तो क्या इतनी रात को उस्ताद को जलील करने के लिए आया? गुरु दक्षिणा देने आया था, दे दिया, चलतो खुदा हाफिज। इतनी मोहब्बत ही वस्ताद से, वस्ताद को बीच भंवर में छोड़ के जा रहे सो? हम क्या भंवर में छोड़ेंगे खाला, इन्हें पहले से गारत के गड़े में, बोलो ना जी। खामोश बैठ मियां, सुबह के नाश्ते के पैसे तो ले लेना था उन लोगों से। अरे खामोश बैठ जलील औरत, मनुष्य का की अरे पैस दिखाओ। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम लोग हंगामा बैंड तो तोड़ दिए, अब क्या हमारा घर तोड़ने आए? बोल दे मियां सॉरी। सुन लिए ना भाई, बोले सो क्या है ना चाचा, भाई का सॉरी कोई सरकारी वादा नहीं है जो बार बार सुनने को मिले। कभी कभी किसी किसी खुशनसीब इंसान को सॉरी सुनने को मिलता है, और वो खुशनसीब इंसान तुम हो। सही बोला ना भाई? कौन है पापा? अरे आप लोग अच्छा किया आए सो, मैं अभी जस्ट चाय पानी लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन गुंडों को चाय पिलाने की। ओ चाचा आप बेफिक्र रहो, आपकी चाय पसंद आएगी ना तो पैसों के साथ साथ आपको टिप भी देंगे। है? आप जाओ चाय बनाओ और जरा पानी कम डालो। उसमें थोड़ा नीला तोता मिला के ला ले, दुनिया को यही सुला दूंगी। सारी दुनिया आतंक के खिलाफ है और आप अपनी बेटी को आतंक करने पे भड़का रही। खैर ये हमारा पीसफुल लोगो है, निशाने अमन। जब हम किसी के घर अच्छी नीयत से जाते हैं तो कद्दू लेके जाते हैं। ठीक है आपकी माफी हमको कबूल है, अब आप लोग जाइए। अरे ये क्या, सीज फायर करने के बाद एक चाय के हकदार भी नहीं है हम लोग? चाय पी के जाते। लियो चाय आ गई। अच्छी तो बनाए ना, जरा पी के देखिए। अम्मी कितनी बार बोला है आपको ये कद्दू नक्को डालो दालचे, मगर आप हैं कि कद्दू के बगैर दालचे बनाएंगी ही नहीं। अरे आपको कद्दू पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जामिया 2 किलो तुरई लेके आ, अच्छी कौली। अरे आप लेके आए फिर तो मैं जरूर इस कद्दू की खीर बनाऊंगी। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कभी नहीं। वो मेरी मर्जी। और एक बात, आपके अम्मा बाबा को सॉरी बोल दिया, आप भी उसे काम चला लो, मगर मेरी सॉरी को मेरी कमजोरी नको समझो। चलो मियां खुदा हाफिज। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवान। अरे मियां ये जो जवान है ना, ये सीखते सीखते मैं बचपने से जवान हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है जी भाई, जरा हंस के सॉरी क्या बोल दिए, तुम फ्रीच हो गए बगैर इजाजत के, बार बार घर को आ रहे। हाँ माफ करना, आइंदा से इजाजत लेके आऊंगी। आइंदा से मतलब क्या, पोलियो ड्रॉप वाले हैं घड़ी घड़ी घर को आने? आप अपनी ईगो में आके 5 से 6 लोगों की रोजी रोटी के दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा उस रात के अटैक का एक्सग्रेशन लेने आए? दूसरों की रोजी रोटी के दरवाजे बंद करना, उन पे सेंशन लगाना, यही श्रेय गया ना आपका फर्ज? ऐसे मौके पर क्या डायलॉग मारना, भाई को नहीं मालूम, भाई की तरफ से शट अप। आप लोग सिर्फ अपनी ताकत कमजोरों पे दिखाते हैं, हिम्मत है तो देश के दुश्मनों पे दिखाइए अपनी ताकत। अब हमारे पे इतना बुरा वक्त आ गया, आप जैसी महफिल की शमा हमारे को रास्ता दिखाएंगी? अरे यहाँ आते कई कू, रो के जाते कई कू, हमारा मूड खराब करते कई कू। अरे मियां कोई सैड सॉन्ग याद है तेरे को? है ना, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। हम रोए तो दुनिया हंसती, और हमारा मोम का दिल देखो, एक औरत के 2 आंसू नहीं सह सकता। ये बैलों को देखो कैसा घोड़े बेच के सो रहे, ये नींद नहीं आई तो रात मालगाड़ी के जैसी लंबी दिखती।
अरे कौन है जी इतनी रात को? अरे इन्हें, अरे तुम मियाँ अंदर आए कैसे? अरे उठो, पुलिस को बुलाओ, शोर मचाओ, कैसे आदमी हो जी तुम? ओ आंटी, मेरे को नींद नहीं आ रही तो तुम्हारी बेटी को सवारी बोलने आया, समझे ना? अरे बड़े अजीब आदमी है आप, आपको नींद नहीं आई तो हमारी नींद खराब कर देते। अरे बेटा, तरुणा मुझके मामू के यहाँ गई है, उसके आते तुम्हारा सॉरी बोलती हूँ, अब आप जाओ यहाँ से। अरे इतनी रात को आप यहाँ कैसे? क्या झूठे अम्मा बाबा पाल के रखे, अभी आप नहीं है बल्कि बढ़ा दे रहे थे मेरे को, आपको सॉरी बोलने आया था मैं, चलता हूँ। जरा घर तक छोड़ देते क्या, रास्ते में कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। फिर मुझे कौन छोड़ेगा? मैं हूँ ना। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, लेने तुझे तरन्नुम आएंगे तेरे मियाँ। डोली सजा के हमारे अनीस मियाँ, जरा कॉलर लूज रखो, कई को बोले तो अपने को किसी किस्म का दबाव पसंद नहीं है। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था, जरा घर वालों के साथ जाके शादी की शॉपिंग कर लेना था, मेरे दोस्त की दुकान है मोहम्मद कैप मार्ट, फोन कर देता हूँ मैं। पैसा देके लाना है या आपका नाम ही काफी है? अपना नाम भी किसी क्रेडिट कार्ड से कम है क्या? कैश देके बोलो, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत ऐसे लप्पा टोपी से नहीं करने वाली। अरे ये लप्पा टोपी कैसी भाई, बड़े बड़े मुल्का भी एक दूसरे को पेट्रोल देख के हथियारा लेते, वैसी मैं भी ये दुकान वालों के नहीं होने वाले काम करा के मैं अपना काम निकाल लेता हूँ। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे को अभी फोन कर रहा हूँ। लड़की को स्टेज से भगा के तूने मेरे 10 लाख का नुकसान किया सो किया, और मेरी इज्जत भी 2 कौड़ी की कर दी। इज्जत तो इज्जतदार लोगों के साथ चले गए मुझू, अब तेरे मेरे जैसे फालतू लोग एक दूसरे की चापलूसी करके उसको इज्जत का नाम दे रहे हैं। देख मियां भाई, तेरी और उस लड़की की वजह से मेरे 10 लाख का नुकसान हुआ, या तो मेरे पैसे मेरे को दे दे या उस लड़की से 1 साल का एग्रीमेंट करा। ए, दोनों भी नहीं हो सकते, मैं तरन्नुम से शादी करने जा रहा हूँ, समझा? हाँ, शादी में आके खाना खाना है तो बोल, कार्ड भेजता हूँ, अब फोन रख। तुम यहाँ कैसे? अपन ऐसी, तुम ये बोलो, ऑर्केस्ट्रा छोड़ के शूटिंग शुरू कर दिए क्या आजकल? मैं अपनी फ्रेंड को शादी का इनविटेशन देने आई थी। अच्छा, इतने अरसे के बाद रोजा खोल रहे, तो वो भी सूखे खजूर से? कुछ भी हो, रोजा खजूर से खुलता है, मूंगफली से नहीं। मियाँ भाई को मेरे तुम्हारे अफेयर के बारे में मालूम है, तुम जो लाइटा मारते थे मेरे को बोल देना था, नहीं तो शादी के बाद अलग पीना रहते हो, कहाँ गए थे, कितने गाने साथ में गाए, स्टेज पेज गाए, पीछे भी गाए, क्या सब बोल देना था। हमारे बीच कोई ऐसी बात नहीं है जिसका पता चलने पे अली मियाँ को कोई बुरा लगे, समझे? और वैसे भी मैं शादी से पहले उनको सारी बातें बता दूंगी। बोलने में बेहतरी है, और ये सुन के खुशी खुशी राजी हो जाएगा उन्हें। दुनिया में सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग ही नहीं रहते, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छा, तो हम इतने बुरे हो गए? वो कहावत नहीं सुने, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे कते। खुदाफिस। ये दो गुलाबों के बीच में ये साजिद कांटा कहीं को आ गया, कुछ करना पड़ेगा इसका। आप बैदबाजी शुरू की जाए। Bye.
इनाम लेके आओ। तुम्हारे हिस्से में आई ये चिकन तंदूरी ज़ैनसीब, और तुम्हारे हिस्से में आया है ये अचार, संभालो इसे। कोई बात नहीं, अचार को सड़ने और उतरने का खौफ नहीं रहा। ये क्या नाकामी के ख्वाब शुरू हो गए? वैसे ख्वाब में जो भी होता उसका उल्टा होता। अब यहाँ से मैं सीधा मंडी को जा रहा हूँ जी। मे आई कम इन सर? यस यस यस, प्लीज यंग मैन टेक योर सीट। थैंक यू सर। आओ भाई, टमाटर भी ला लेता हूँ, रखो फर। नो टाइम वेस्ट, प्लीज गिव मी यूर क्रेडेंशियल्स फास्टर। एसएससी फर्स्ट क्लास जी, इंटर भी फर्स्ट क्लास, डिग्री भी फर्स्ट क्लास किया है। हाँ सर, एंड आई एम ओनली द गाय हु विल मेक योर कंपनी आल्सो फर्स्ट क्लास। और वैसे तुमने कंप्यूटर की पढ़ाई भी बहुत अच्छी।